स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल गैजेट इंडिया में। और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे 2 मंथ्स रिव्यू मी टीवी 4X का। और इसको परचेस करके बेसिकली 2 महीने हो गया और इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे आपको आई बटन आ रहा होगा, वो लाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप वो वीडियो पे जा सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। बहरहाल आज हम बात करेंगे इसके प्रोज और कॉन्स की, मैं 2 महीने में क्या क्या चीज़ें फेस करा इसके साथ, क्यों आपको इसको परचेस करना चाहिए क्यों नहीं। बेसिकली ये टीवी 2019 सितंबर में लॉन्च हुआ था, यानी कि 2 साल होने आ रहा तकरीबन, तो क्या आपको परचेस करना चाहिए 2 साल के बाद भी, तो चलिए देखते हैं ये वीडियो में। तो टीवी में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है उसकी पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो है साउंड क्वालिटी के साथ। तो साउंड मेरे को ये टीवी का काफ़ी अच्छा दिखा, इसमें आपको हाईएस्ट पीक साउंड देखने को मिल जाता है 50 पॉइंट्स का और जो लोएस्ट है एज़ यूजल 0 है वो। और यहाँ पर जो 50 पॉइंट्स है दैट आर ग्रेट मेरे हिसाब से, नॉर्मल टीवीज़ के 100 के इक्वलेंट है। क्योंकि यहाँ पे इक्वलेंट इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अगर आप 35 पे भी साउंड रख लेंगे तो इट विल बी लाइक पार्टी हेड। यहाँ पे घर पे पार्टी चल रही है तो आप सिर्फ 35 का साउंड रख के भी लाउड म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं अगर पार्टी सॉन्ग्स वगैरह तो। और बेसिकली अगर आप सुनना चाह रहे सॉफ्ट सॉन्ग्स वगैरह, स्लो सॉन्ग्स वगैरह, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे थोड़े से बीट्स को मिस कर देता, मैशअप कर लेता वो चीज़ों को और एक अलग तरीके का प्रोडक्ट आपको देखने मिलता। अगर आप फ़ोन पे सुनेंगे या कोई और टीवी पे सुनेंगे सेम गाना इस पे सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज फील होगा, जो कि मैं खुद ऑब्जर्व करने के बाद बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे। और अगर अपन आ गए पिक्चर क्वालिटी के बारे में, लोग बेसिकली ये टीवी इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि आपको 25,000 रुपीज़ की रेंज के अंदर देखने को मिलता है 4K। और ये अपस्केलिंग वाला 4K नहीं है, इसके अंदर डायरेक्टली आपको 4K पैनल देखने को मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है, हार्डवेयर बोल रहा हूँ मैं, हार्डवेयर आपको 4K का मिलता है जिसकी वजह से आपको जो 4K क्वालिटी है वो ट्रू 4K क्वालिटी आती। तो यहाँ पर एक और एक कैच है इसके साथ मेरे को जो दिखा, और मैं ये बोलूँगा इसमें आपको 30 FPS की स्पीड देखने को मिलती है, यानी कि कोई आप 60 FPS पे कोई चीज़ देख रहे हो तो इट विल बी लाइक मतलब लैगी रहता, इट विल बी लाइक लैगी कंपैरेटिवली टू 60 FPS मेरे हिसाब से। अगर आप 60 FPS के वीडियोस देखते करते तो आपको वो थोड़ा सा लैगी दिखेगा। अगर आप समझो 1080p यानी फुल HD में 60 FPS की कोई वीडियो देख रहे हो तो इट विल बी लाइक लैगी। समझ रहे हैं आप मेरे हिसाब से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहे वो डिस्क्राइब करने के लिए, बट आप समझ गए होंगे मेरे को उम्मीद है। अब यहाँ पे मेरे को पिक्चर क्वालिटी के साथ कोई भी इशू नहीं है, कलर ग्रेडिंग वगैरह सब बेहतरीन है ये टीवी का। हाँ मेरे को थोड़ा सा ऐसा दिखा कि ये जो डार्क पॉइंट्स आते हैं जैसे कि ब्लैक पॉइंट्स, उसको थोड़ा सा ज़्यादा लाइट कर देता, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा सही अगर आप सेटिंग में से कर लेंगे तो और ज़्यादा आप इन्जॉय कर पाएंगे इस टीवी को। और तीसरी बात, ये क्या एक फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से बेस्ट है या नहीं। तो आपको आजकल देखने को मिल जाते हैं 50 वॉट के स्पीकर्स टीवीज़ में, लाइक मोटोरोला में आपको देखने को मिल जाता है 1.4 GHz 2 GHz का प्रोसेसर, मीडिया टेक के प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाते हैं रियलमी के टीवी में। तो मैं आपको बोलूँगा इसके अंदर जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम मी टीवी में आपको बता रहा हूँ, उसमें कॉम्बिनेशन है आपको पैचवॉल और एंड्रॉयड 9 का। और बेसिकली अभी जो टीवीज़ आ रहे उसमें आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड 10, तो ये एक जनरेशन पुराना एंड्रॉयड है जिसकी वजह से आई थिंक आपको अपडेट्स वगैरह थोड़े से स्लो मिलेंगे और आप जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उसका मज़ा नहीं उठा पाएंगे मेरे हिसाब से। और इसका जो OS है वो बिट मैं बोल सकता हूँ आपका OS जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा एनहांस कर देता, क्योंकि आपको रिकमेंडेशन आता थ्रू पैचवॉल एज वेल एज एंड्रॉयड, अगर आप दोनों हिसाब से मैच करके आपको अच्छी तरीके के रिजल्ट देता हो, लाइक रिकमेंडेशन में आप जो चीज़ देख रहे आप वही देखने को मिलेंगी, ब्लोट वेट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लाइक कोई और मूवी कोई और टीवी सीरियल जो आप देखना नहीं चाह रहे ज़बरदस्ती पुश कर रहा तो वो एक चीज़ यहाँ पे नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा है पैचवॉल 3.4 का मेरे हिसाब से। प्रीवियसली भी मैं वीडियो में बोला था पैचवॉल थोड़ा सा लैगी रहता बट
3.4 जो आया है उसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। और मेरे हिसाब से ओवरऑल अ गुड पैकेज, बट यहाँ पे आपको मैं बोलूँगा आपको एंड्रॉयड 10 देखने को नहीं मिलता है, 60 FPS सपोर्ट नहीं करता है, नन ऑफ हार्डवेयर, नन ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ये एक चीज़ आप रख सकते दिमाग में। और इसके जो बेजल्स हैं वो थोड़े से थिक है, जो कि आजकल के टीवीज़ में उतने थिक नहीं आ रहे, लाइक मैं बोल सकता हूँ इतने ज़्यादा थिक है, मतलब मेरी हाफ इंच बोल सकता हूँ, हाफ इंच और 7.75 इंच के उतने बेजल्स होंगे इसके, पर उतने ज़्यादा भी नहीं है मैं बोलूँगा। अब जैसे कि मेरे मॉनिटर के उतने ज़्यादा भी नहीं है, बट थोड़े से बेजल्स आपको नोटिसेबल है यहाँ पे। और मैं जैसे कि बोला ब्लैक्स में आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, पर आप जाके सेटिंग में से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं और उसकी वजह से आप आपका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं टीवी का। मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट ऑप्शन, हर टीवी में आपको देखने को मिल जाता है। उसकी वजह से आप आपके हिसाब से कलर्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं, कितने वाइब्रेंट आपको कलर्स होना या नहीं होना है यहाँ पे। तो इतने सारे फीचर्स कंबाइन होकर आते हैं इसके साथ। और एक चीज़ है, ये एंड्रॉयड 9 पर चल रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अब एंड्रॉयड 10 भी आ गया, 11 भी जल्दी से आ जाएगा। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि एक टीवी ऐसी चीज़ होती है क्योंकि हर कोई उसको घर में इस्तेमाल करता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो टीवी है वो आपका टाइम पास करने के ऐसे मेन प्रोडक्ट होता है घर के अंदर। तो आप एक बार ज़रूर से सोचना इसको परचेज करने से पहले। बेसिकली रिमोट एक टीवी का काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि उसकी वजह से आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं। और हर किसी की अलग अलग चॉइसेस होते हैं रिमोट के लेकर, और किसी को बड़ा रिमोट पसंद होता है, किसी को छोटा कॉम्पैक्ट पसंद आता है, और मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है छोटा रिमोट। और इसका जो रिमोट है मेरे को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि काफ़ी मिनिमलिस्ट सा है और यहाँ पे आपको मैट फिनिश है, ज़्यादा बटन्स दिए नहीं गए हैं, जो सिर्फ काम के बटन्स है आपको वही देखने को मिलता है, लाइक टर्न ऑन एंड ऑफ बटन, आपको गूगल असिस्टेंट का बटन देखने को मिल जाता है, मी वाला जो आपको बटन मिल जाता है वो सेपरेट बटन है, उस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली पैच वॉल में स्विच हो जाते हैं। और उसके बाद आपको होम बटन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, होम बटन से आप डायरेक्टली होम पेज पे आ जाते हैं, और जो सर्कुलर जैसा आपको जो बटन दिख रहा है उसकी वजह से आप डायरेक्टली एंड्रॉयड मोड में स्विच कर सकते हैं। उसके बाद आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन मिल जाता है, और गूगल असिस्टेंट के जैसे कि मैं बताया काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्सिव सी चीज़ है ये, अगर आपको सर्च करना चाह रहे। और मेरे हिसाब से ये OS काफ़ी अच्छा है टीवी के लिए एंड्रॉयड 9, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, हर टीवी में आपको यही देखने को मिल रहा था पास्ट टाइम्स में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था। और उसके साथ जो आपको तड़का लगता है पैच वॉल का, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका बना देता है यहाँ पे। आप काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आप काफ़ी सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं यूजुअली जो आप एंड्रॉयड टीवी में कर सकते। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था इसके साथ यहाँ पे, कि कोई मेरे को इतना इशू देखने को मिला नहीं यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं बोलूँगा मत लो आप, क्योंकि मेरी तरफ से बिग थम्स अप, पर मैं यही बोलूँगा 2 साल पुराना है। तो जो नए ऑप्शन है आपके आप उसके ऊपर एक बार सोच लीजिए। Xiaomi के भी काफ़ी सारे नए ऑप्शन है, उसके लिए भी आप जा सकते हैं मेरे हिसाब से। Realme है, Motorola है, Nokia भी अब तो मार्केट में आ चुका है, तो आप उनके लिए भी जा सकते हैं। पर एक बार दूसरी वीडियोज़ को भी आप एक बार कंसिडर कर लेना मेरे हिसाब से। सो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगी, वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, न्यू वीडियो कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड।